हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज मैं आप लोगों को तीन ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही चीप हैं। चीप प्राइस में आप चीप फ्लाइट टिकट ले सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में आप आउट ऑफ कंट्री एंड अपने इंडिया में भी घूम सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। एंड प्राइस कंपैरिजन करके बताऊंगा और मिनिमम कितना प्राइस है, मैक्सिमम कितना, और मिनिमम में आपको क्या क्या मिलेगा। जो मैं चीप प्राइस आपको बताऊंगा उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। और ये मेरा चैनल नया है देसी ब्लॉगर के नाम से, और इस चैनल के ऊपर मैं ट्रैवल के रिगार्डिंग ही वीडियो पाऊंगा, जैसे कि कहीं पे भी घूमना फिरना हो गया वहाँ की, एंड कहीं पे भी टिकट प्राइसिंग की, टिकट प्राइस कम कैसे होते हैं, ज़्यादा किस समय होते हैं, तो उसके बारे में। तो आज की वीडियो जो मेन टॉपिक है वो यही है कि मैं आपको तीन ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जिनसे हम अपनी फ्लाइट की टिकट जो है चीप प्राइस में बुक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सी वीडियो चेक करके मैंने फिर ये वीडियो बनाई है। बहुत से लोग मेरे को, मैंने खुद वीडियो जिस पर बहुत से व्यू आए हुए थे, वो बोलते थे कि स्काई स्कैनर फर्स्ट वेबसाइट है। स्काई स्कैनर, स्काई स्कैनर कह रहे, एक ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत ही चीप प्राइस में अपनी टिकटें बुक दे, चीप फ्लाइटें बुक करती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक साइट बता देता हूँ, स्काई स्कैनर, जो कि बहुत ही कॉस्टली देती है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली स्काई स्कैनर के ही हैं। मेरे को नहीं किसी एंगल से लगता कि ये चीप फ्लाइट देती है, बट मैं आपको स्काई स्कैनर से भी चीप फ्लाइट टिकट आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो मेन बेसिकली, हाँ, हम गोवा, मैं चलो इन यहाँ से गोवा, गोवा का कर लेता हूँ। मान लो मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली से गोवा, जिसके अंदर हमारी रिटर्न टिकट भी होएगी और आने और जाने की दोनों टिकट होएंगी। और हम लोग बुक कर लेते हैं मार्च, मार्च में हम मान लो 25 तारीख को जाएंगे, 25 को जाके, और जो हमारी वापसी टिकट होएगी वो होगी 31 को, 25 मार्च, 31 मार्च। हम सिंगल पर्सन जाएंगे कोई भी टिकट हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्काईलाइनर जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली देती है ये, और ये बता तो देते हैं कि पिस्ट है, चीपेस्ट है, चीपेस्ट है, बट चीपेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को किसी एंगल से लगता है कि भाई स्काई स्कैनर जो भी है, इसका नाम स्काई स्कैनर, ये चीप फ्लाइट की टिकट बुक कराती है। बट मैं आपको, मेरा टारगेट था कि मैं आपको बताऊंगा कि चीप वेबसाइट है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर चीपेस्ट फ्लाइट टिकट है मिनिमम मिनिमम 62,913, 62,913 चीपेस्ट फर्स्ट। तो देखिए 62,000 रुपये में कोई गोवा, 62,000 रुपये में गोवा, सिर्फ टिकट 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 ओनली टिकट 62,000 रुपये में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इतने में तो भैया हम दुबई घूमाएंगे। तो चलो मैं इस वेबसाइट को कर देता हूँ रिजेक्ट। ये वेबसाइट हमारी लिस्ट से हो चुकी है बाहर, तो हो चुकी है दो और वेबसाइटें। तो चलो मैं एक बार कंपेयर करने के लिए भी इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों कंपेयर हो जाए आप लोगों के सामने। 25-3 से 31-3 बिल्कुल। तो हमारे पास दूसरी वेबसाइट आ जाती है ट्रेवल ट्रेवलुक ट्रेवलुक ट्रेवलुक, जो कि मेरी सबसे फेवरेट इससे अगली वेबसाइट है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है इन तीनों में से। दो हो गई, तीसरी एक और होगी, और ये हो गया हमने किया दिल्ली टू गोवा, गोवा 1 मार्च की जगह हम जाएंगे अब 25 मार्च को जाके, और 31 को रिटर्न होंगे। हम सिंगल पर्सन है, वन ट्रेवलर इकोनॉमी, सब कुछ सेम है। तो मैं कर लेता हूँ एक बार सर्च। तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ वेट, बट इससे जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लो, सबसे पहले वहाँ पे जाने की लोड ही नहीं है, 52,017 रुपये, 2 घंटे 35 मिनट में नॉन स्टॉप फ्लाइट जाएगी। और ये यहाँ पे तीन, ये महेश तीन स्टॉप, 20 घंटे 15 मिनट, सॉरी वो बेस्ट वाली थी। अगर हम चीपेस्ट करें, चीपेस्ट में तीन स्टॉप है, 20 घंटे तो भैया इसमें भी लगेंगे। फ्लाइट टिकट है, मैंने कुछ और सिलेक्ट नहीं कर रखा है, वन अडल्ट इकोनॉमी न्यू दिल्ली टू गोवा 25 टू 31 तारीख। सेम यहाँ पे भी दिल्ली टू गोवा 25 टू 31, ट्रेवलर वन इकोनॉमी। तो
तो यहाँ पे देखियो मेरे को जो मिल रही है सबसे चीप गोवा की चीप, एयर एशिया और इंडिगो रिफंडेबल है, ये भी रिफंडेबल है। तो मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि मैं एयर इंडिया से जाऊँगा और रिटर्न होऊंगा अपना इंडिया इंडिगो इंडिगो से। तो देखिए 2 घंटे 35 मिनट है नॉन स्टॉप रहा था। तो भैया अभी जाओगे 10,339 रुपये, मैं यहाँ पे मोटा मोटा 12,000 मान के चलता हूँ। 12 में भी कोई माड़ा नहीं है भाई जान, 12 में भी कोई माड़ा नहीं है। तो देखिए ये सबसे कॉस्टली एक्सपेंसिव वेबसाइट है, बहुत ही ज़्यादा, को मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरी नज़र में एक ये वेबसाइट है एंड एक जो है इसका भी बाप है, वो है cheapflyer.com, जो कि मेरी फेवरेट वेबसाइट है। कहीं भी आना जाना हो तो ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो कंपेयर इसको भी ऊपर रखूँगा, इसको भी एंड। आ चुके हैं मेन, चंडीगढ़ से नहीं हमें जाना है दिल्ली से, दिल्ली टू गोवा, गोवा हम यही कर लेते हैं सेलेक्ट। मार्च 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 25 मार्च को से जाके 31 मार्च तक हम इतने दिन वहाँ पे रहेंगे। एंड मैं कर लेता हूँ गो, प्राइस देखिए गाइस 62,913, एंड यहाँ पे बने हुए हैं 10,339 रुपये। 2,000 का शायद ये वॉलेट कूपन वगैरह भी देंगे। एंड यहाँ पे देखिए गाइस चीपेस्ट चीपेस्ट सेम वो ही 10,183 रुपये। ये कह रहे हैं कि भैया आप 10,745 रुपये मान के चलो। तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये सब बुक नहीं होंगी, तो चलिए कर लेते हैं बुक। मैं गया यहाँ पे, ये रीडायरेक्ट करेगा, एंड मैं गया इस वेबसाइट पे भी, ये भी डायरेक्ट जाएगी 2 घंटे में। आते टाइम ज़रूर एक वो होएगा एक स्टॉप, एंड ये इसके अंदर रिटर्नेबल टिकट भी है। और अगर मैं इसको वन वे करूँगा तो गैस प्राइस देख लेना, आप प्राइस पे नज़र रखना बस, वन वे पे, वन वे वन वे वन वे। अगर बेस्ट 5,53,100 है गाइस, कोई माड़ा नहीं है, निश्चिंत हो गए जाओ। 5,000 ये बोल रहे हैं कि आप 1,800 मान के चलो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप रिटर्न टिकट भी साथ में लें। तो मैं यहाँ पे रिटर्न पे कर लिया है सेलेक्ट, एंड सर्च चीप फ्लाइट 62,000। मैं इस वेबसाइट को कर देता हूँ डिलीट अपने पोर्टफोलियो से एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए गाइस इतने का इन्होंने डिस्काउंट दे दिया हमें, इतना हमारा टैक्स बना, इंक्लूड टैक्स आपको पे करना पड़ जाए 993। तो गाइस कोई मैटर नहीं है, तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, देखिए बहुत ही बेहतर। नाम भरो सिंपली 9893। एंड यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं न्यू दिल्ली टू गोवा 12,000 रुपये में, अभी प्राइस चेंज होते रहते हैं एनीवन जो भी है। हाँ ये बोल रहे 10,000 कुछ थे, तो मतलब 12,000 मान के चलो। तो मैं करूँगा व्यू डील, ये टैब किया क्लोज, ये अगोडा पे ले जाएगा। ये वेबसाइट मेरी फेवरेट है इस वीडियो के अंदर, ये वेबसाइट बहुत ही बहुत फेवरेट है। आप लोग भी ये वेबसाइट जरूर यूज़ करना, कभी भी टिकट वगैरह यूज़ करनी हो। तो मैंने ये कर दिया क्लोज, लो 10,725 रुपीज़, 25 वहाँ के अंदर 90 90 90। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कैसे लगे आपको ये थी वेबसाइटें, तो हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर विजिट आज तक यूट्यूब चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सॉरी देसी ब्लॉग, देसी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल, देसी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। ट्रैवल के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इसी चैनल पर विजिट करना, यहाँ पे ब्लॉग आएगा, रिजल्ट आएगी, फुल इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन सी किस जगह जाए, क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल, कितना एक्सपेंस होता है, कहाँ पर जाने का और कैसे जाने का, कैसे टिकट बुक करें, और टिकट लाइव टिकट आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में कुछ